मैं तुमसे तुम्हारे घर की सबसे कीमती चीज मांगने आई। मैं चाहती हूं कि कुबरा को गालिब के लिए मान लो। मैंने कभी भी अपना कोई फैसला अपनी औलाद पे नहीं थोपा, और ये तो कुबरा की जिंदगी का मामला है और इसका जवाब वही दे सकती है। अगर वो इससे मुत्तफिक है तो मुझे कोई एतराज नहीं। ठीक है, लेकिन कुबरा है कहाँ, आई क्यों नहीं अभी तक? आ रही नहीं, आ गई। बेटा तुम्हारी दादी मुझसे कह रही थी। सुन लिया मैंने अब्बा, आपको बताने की जरूरत नहीं। वैसे दादी, ख्वाहिश तो हमारी भी यही थी ना कि गालिब और सादिया का रिश्ता हो जाए, लेकिन ऐसा हुआ तो कुछ भी नहीं। अरे कुबरा बेटा, इस बात को तो बीते हुए भी वक्त गुजर गया, अब क्यों तुम खामखा गड़े मुर्दे उखाड़ रही हो? तो इस बात को भी यहीं दफना दीजिए ना कुबरा। बस दादी, आप कुछ भी कह ले, मेरा फैसला नहीं बदलेगा। कुबरा ये क्या कह रही हो तुम? भाई की मोहब्बत हो और हम उन्हीं की इजाजत से यहाँ पे आए ताकि तुम दोनों की शादी हो सके। वाह गालिब मियां, उठिए जरा, खड़े तो हुई, उठिए उठिए। कुबरा ये क्या तरीका है बात करने का? कुछ नहीं अब्बा, बस अपना हक इस्तेमाल कर रही हूँ, जो आपने कहा था कि मैं रखती हूँ। जवाब लिए बिना तो दादी यहाँ से जाएंगी नहीं, और बड़ों को इंतजार करवाना मुझे पसंद नहीं। उठो उठो गालिब मियाँ। अरे आप अभी तक बैठे हैं? कितनी मोहब्बत करते हैं आप मुझसे? इतनी मोहब्बत करता हूँ कि कायनात की सारी मोहब्बत को अगर एक तराजू में डाला जाए तो मेरी मोहब्बत का पल पल भारी रहेगा। तुमसे बेहतर कौन जानता है कुबरा? मेरे बचपन से आज तक सिर्फ तुम्हें चाह रहे। दुनिया की सारी मोहब्बत पर मेरी मोहब्बत गालिब रहेगी, बिल्कुल मेरे नाम की।